भाई वो फैयाज़ का फ़ोन आया था, नाश्ता लाने की बात कर रहे थे। मैंने कहा आओ भाई बेटी से मिलो, ये तकल्लुफात में पड़ने की क्या ज़रूरत है। जाहिर है आप तो अपने भाई का भला ही चाहेंगे ना, पहले बेटी मुफ्त में ब्याह दी और अब। अरे बिलाओ जी। राशिद भाई ये बताएं कि कहाँ लेके जा रहे हैं आप उन्हें हनीमून? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं भाई। यार आप कौन सी कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं अपना, लाजिम है वो संभाल लेंगे, आप उन्हें लेके जाइए। हाँ जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा फिरने टूने का शौक है तुम्हें, तुम जवाद के साथ चले जाओ या अम्मी अब्बा के साथ जाओ। जी नहीं, मुझे घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है। लो सुन लो राशिद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपकी उनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है, थोड़ा जोर डालें, कहें इनको लेके जाएंगे आपको। और तुम क्यों बोल रहे हो मियां बीवी के मामले में? मेरे ख्याल में आ गए बुधा, कह रहा है कि बिजी हो तो बिजी है वो। वालेकुम अस्सलाम, आए आए। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, कैसी हैं? सलाम बारे। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, बैठ बैठो भाई, बैठो बैठो। मैंने मना भी किया था कोई तकल्लुफ ना करो। अस्सलामुअलैकुम, बिल्कुल ठीक बेटे, तुम बैठो ना बेटा। जी जी, क्या जरूरत थी सब तकल्लुफात करने की, फैयाज कहाँ रह गए? सामान निकाल रहे हैं गाड़ी से। कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ही भूल गई ना हमें, कितने फोन किए मैंने। वो मेरा फोन चार्ज नहीं था इसलिए। वो आप मुझे कॉल कर लेती? वो मेरा मतलब कि राशिद भाई आप अब्बा के फोन पे कर लेती कॉल? हाँ वो बस याद नहीं रहा ना इसलिए। नाश्ता लगवाओ। पता नहीं ये रानी कहाँ मर गई है, अभी लगवाती हूँ नाश्ता। ताई अगर आप बुरा ना माने तो मैं चल जाऊं किचन। हाँ हाँ बेटा जाओ ना, किस तरह होगा तुम्हारा घर है। जाओ जवाब देखो जरा, फैयाज चाचा कहाँ रह गया देखो। जी अब्बा। समरा खुश हो? जी मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। खुश है माशाल्लाह बेटी यहाँ पर। रानी को अच्छा सा डिनर सेट निकाल दें जिसकी प्लेट्स बहुत अच्छी बनी हो। वैसे मुझे कह देती नहीं लिया था फयाज से चको, क्यों आपने जहमत? थैंक यू। वैसे ये घर के काम करते हुए आप बहुत अच्छी लग रही, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अपना ही अपने घर वालों के लिए काम कर रहा है। इस फजूल बात का मतलब? ये फजूल बात तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे घर में आके मेरे लिए कोई बड़े प्यार और खलूस से काम करे। आप इधर आएंगे? मैं ओह प्लीज सॉरी अगर आपको लगा कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो आपने मुझे परेशान किया। मैंने? हाँ क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी हर सोच हर ख्याल हर ख्वाब में तुम ही मेरा रास्ता रोक रही हो। अब इसे परेशान करना नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे? जवाद तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं सामान देने आया था, फयाज से जाने दिया था।
रानी नाश्ता लगाओ। मुझे लगता आप भटक जाएंगी, मैं ले चलूं आपको। मुझे पता है कहां जाना, रहनुमाई का शुक्रिया। अच्छा मुझे ये तो बताएं आप जा कहां रही हैं? आपसे मतलब? मुझी से तो मतलब है। रास्ता दें? मैंने अगर रास्ता दे दिया तो ये ना हो कि मैं दुनिया में भटक जाऊं। एक बात कहूं? क्या वादा करूं मुझसे, मुझे भटकने नहीं दोगी क्या? करो मुझसे कि तुम मुझे भटकने नहीं दोगी।